नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चलेंगे ऋषिकेश के एक प्रसिद्ध झरने में, जो कि ऋषिकेश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस झरने के आसपास के दृश्य बहुत ही सुंदर हैं, क्योंकि ये झरना प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। इसके चारों ओर घना जंगल है। दोस्तों, इस झरने का नाम है पटना वाटरफॉल। रास्ता बहुत ही रोमांचक है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन प्रकृति के बीच बने इस रास्ते के दृश्य बहुत ही मनमोहक हैं, जो आपकी सारी थकान मिटा देंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल में ज़्यादातर वीडियो हरिद्वार और ऋषिकेश की मिलती हैं। दोस्तों, ऋषिकेश से लगभग 5 से 6 किलोमीटर चल के हम आ चुके हैं, और यहाँ पर एक झरना है जिसे पटना वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है उसको भी दिखाएंगे। और ये जो वाटरफॉल है, ये नीलकंठ मंदिर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। जैसे ही आप गरुड़ चट्टी से लगभग 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो वहीं पर आपको दाहिने हाथ में ये वाटरफॉल मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं वाटरफॉल में, और वाटरफॉल जो है उसके लिए रास्ता आप देख सकते हैं। वाटरफॉल जाने का रास्ता ये है। यहाँ से चलकर लगभग 1 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी होगी, और उसके बाद वहाँ पर आपको वाटरफॉल मिलेगा। तो दोस्तों, आज हो जाइए तैयार आप सभी लोग, आपके लिए बहुत ही प्राकृतिक जगह है। और ये झरना यहाँ आसपास काफ़ी अच्छा झरना बताया जाता है, जो कि पटना वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और उसका जाने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन आप जा सकते हैं। और मैं आपको रास्ते के सभी व्यू दिखाऊँगा, और उसके साथ साथ पटना वाटरफॉल भी दिखाऊँगा। तो चलते हैं और रास्ते के साथ साथ वाटरफॉल को भी देखेंगे। देख सकते हैं, ये वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता है, जो थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन आराम से पहुंचा जा सकता है। अगर आप थोड़ी देर रुक रुक के चलेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मंदिर बहुत देख लिए होंगे, आश्रम भी देखे होंगे, लेकिन प्रकृति के बीच के जो दृश्य होते हैं उनका देखना, उनके बीच रहना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही घना जंगल है, और इसी घने जंगल के बीच में पटना वाटरफॉल है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो ऋषिकेश में है और नाम पटना है, लेकिन ये सच है, ये ऋषिकेश में ज़रूर है, लेकिन इस वाटरफॉल का नाम पटना वाटरफॉल ही है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही घना जंगल है, और इसी जंगल के बीचों बीच में ये वाटरफॉल है। आप जो ये जल की आवाज़ सुन रहे हैं, ये वहीं से आ रहा है। आप देख सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये जल दिखाई दे रहा होगा, जो कि पटना वाटरफॉल से चलते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है। ऐसे ही नज़ारे आपको मैं दिखाता रहूँगा, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये जो वाटरफॉल है, ये वाकई में बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और जल काफ़ी ऊपर से गिरता है, और वहीं पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं और स्नान करते हैं। तो अभी हम चलते हैं। रास्ता ये भी पहाड़ी है, और थोड़ा सा चढ़ाई भी है इस रास्ते में, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है, तो चलते हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे तो बहुत ही लाजवाब हैं, यहाँ के खूबसूरत दृश्य देखते हुए हम बढ़ेंगे पटना वाटरफॉल के लिए। आप रास्ते को देख सकते हैं, इस रास्ते में काफ़ी कंकड़ पत्थर सभी पड़े हुए हैं।
बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं इस रास्ते के, और उसके साथ साथ सच में जो पटना वाटरफॉल है उसको मैं देखने के लिए खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रास्ता भी अच्छा है, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नेचर के बीच में रहना। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लें ताकि लाइव वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों देख सकते हैं इस रास्ते को, यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई भी है। हमारे आगे बुढ़ापा चल रहा ना, इसलिए आई एम वॉकिंग स्लो। दोस्तों आप देख सकते हैं इस रास्ते के दृश्य नज़ारे, बहुत ही घना जंगल है और इसी जंगलों के बीच से पटना वाटरफॉल जाने का रास्ता है। आप जब भी ऋषिकेश आएँ और नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर जाएं तो इस झरने में आ सकते हैं, और यहाँ पर जो स्नान करने का मज़ा है उसका अनुभव बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब ये मेरे दोस्त हैं, देख सकते हो, इनसे इस रास्ते के बारे में पूछते हैं। ये मिस्टर राजीव जी हैं जो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, इनसे पूछते हैं कि ये रास्ता का अनुभव कैसा रहा। रास्ता तो मज़ेदार है, बस हम ही कमज़ोर हैं। अच्छा, इनका कहना है कि रास्ता मज़ेदार है क्योंकि हरियाली के बीच में है, पर ये थोड़ा सा कमज़ोर निकले। ये मिस्टर उपेंद्र जी हैं जो हम चारों में से सबसे यंग ब्लड यही हैं, और ये बहुत ही मेहनती लड़का है। इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको इस रास्ते में मुझे चलते तो हुए। इनका कहना है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और एक ये मिस्टर किशन जी, कैसा लगा आपको यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है? बहुत अच्छा। अच्छा, और कठिन? इनका भी यही मानना है कि रास्ता बहुत ही अच्छा है, थोड़ा कठिन ज़रूर है। तो दोस्तों चलते हैं, पानी जरूर लेके आए साथ में, और साथ में पानी लेके जरूर आए, क्योंकि रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस झरने का पानी पी सकते हैं तो ही आपको मिल सकता है। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कब पहुंचेंगे झरने तक, फिलहाल थोड़ा थक चुके हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो कृपया करके यहाँ आने के कष्ट न करें। हर ऋषिकेश में कहीं भी नहा लें, वहीं पे गंगा जल में नहा लें, बहुत सारे घाट हैं, आराम से वहीं पर स्नान कर लें। और ध्यान रखें इस रास्ते में कभी भी चप्पल पहन के ना आए, स्पोर्ट्स शूज होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप आराम से चढ़ पाएंगे। और कुछ आवाज़ सी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम झरने के करीब पहुंचने वाले हैं।
दोस्तों अब हम झरने तक पहुंच चुके हैं और जो ये झरना आप देख रहे हैं ये है पटना वाटरफॉल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं इसके, हालांकि थोड़ा सा जल कम आ रहा है लेकिन फिर भी यहाँ नहाने का अलग ही मज़ा है। मैं आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे भी दिखाऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं पटना वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत झरना है और इस झरने में स्नान करने का जो मज़ा है वो सच में उसका अनुभव को शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ देर में हम लोग यहाँ पर स्नान भी करेंगे। आप देख सकते हैं रास्ते के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर थे लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद जो यहाँ के नज़ारे हैं उसको देखकर सच में सारी थकान मिट चुकी है। और अभी हम पटना वाटरफॉल में स्नान भी करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ के जो भी नज़ारे होंगे वो सारे मैं आपको लिए वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से सारे नज़ारे दिखाऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में हर एक अनुभव को शेयर ज़रूर करूंगा, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। झरने में स्नान करने का जो मज़ा है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस झरने में जो जल आता है वाकई में बहुत ही हल्का हल्का आता है और जिससे कि आपके चोट भी नहीं लगेगी, क्योंकि कई ऐसे झरने होते हैं जिनमें बहुत तेज़ी से जल आता है जिसमें चोट लगने का भी डर होता है। और इसमें बहुत ही हल्का हल्का ऊपर से झरना गिर रहा है जिसमें नहाने का अलग ही मज़ा है। वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। दोस्तों यहाँ पर सच में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।